नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझेंगे, देखेंगे कि उसकी नीड और एडवांटेजेस क्या हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके लिमिटेशंस को समझेंगे, कुछ ई कॉमर्स मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ई कॉमर्स। अगर हम इंस्टॉल कराना चाहते हैं, ई कॉमर्स पे जाना चाहते हैं, तो हमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स का मतलब क्या है। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट या वेब की मदद से कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करना, जिसमें वैल्यूज का एक्सचेंज हो ऑर्गेनाइजेशनल या इंडिविजुअल बाउंड्रीज में, और रिटर्न में प्रोडक्ट और सर्विसेज का आदान प्रदान हो। जैसे आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन याद होगी, वहां पे भी हम लोग वैल्यू या वैल्यूएबल चीजों का एक्सचेंज करते थे, यानी दो चीजें जो दो पार्टीज के पास हैं वो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल है, यानी वैल्यूज का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे वही एक्सचेंज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम ई कॉमर्स कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स वो हुआ उस तरीके का बिजनेस ट्रांजेक्शन जहां पे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की डेफिनेशन है कि ये वो प्रोसेस है बाइंग सेलिंग का, या ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का या इंफॉर्मेशन का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या कंप्यूटर्स के माध्यम से हो रहे हैं। ई कॉमर्स को हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से, आप यहाँ बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कस्टमर से, आपकी रीच बढ़ जाती है, कस्टमर आपके जो मैसेज है उसको रिपीट कर करके देख सकता है या बार बार देख सकता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकता है, तो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो पहले आपका जो बिजनेस था वो सीमित था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आ जाने के बाद में वो जो बाउंड्रीज थी वो बढ़ गई, आपकी रीच बढ़ गई, आपके कस्टमर बेस बढ़ गया, आप अलग अलग जियोग्राफीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, वहां से कस्टमर की डिमांड आ सकती है। आप अगर ये देखें कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, आप अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस खोलते, सेंटर्स खोलते, तो आपको बहुत पैसा खर्चना पड़ता। अभी आपने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई और पूरा विश्व आपका मार्केट प्लेस बन गया। सर्विस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आप अपने कस्टमर की बात 24 घंटे सुन सकते हैं, आप उसे सही समय पर सही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ई कॉमर्स के आने से ये सारी मदद आपको मिल जाती है। ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होने से क्या होता है कि आप बिजनेस ऑनलाइन जब होता है तो वो हर वक्त एक्सेसिबल होता है कस्टमर्स को। अभी आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन चीजें सारी प्रॉस्पर कर रही हैं, जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन होने पे आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। प्रोडक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से भी ई कॉमर्स हमारी मदद करता है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, अपनी रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है और हमारे सप्लायर को डिमांड को हमें कनेक्ट करके उनसे अपनी रिक्वायरमेंट उसे भेजना, और सिमिलरली अपने बायर उनसे उनके ऑर्डर्स को लेना, तो सारे प्रोसेस को हम पूरे इनबाउंड सप्लाई चेन, आउटबाउंड सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग को पूरे को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। अच्छा, ई कॉमर्स का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि पेपरलेस एक्सचेंज है ये बिजनेस का। बिजनेस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज तो हो रहा है पर पेपरलेस हो रहा है, तो इसको करने के कुछ तरीके हैं, जैसे ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर का एक्सचेंज करना। ज्यादातर B2B बिजनेसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू का अपना काम करते हैं। ईमेल, अगर दो पर्सन या दो बिजनेसेस इंडिविजुअली एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्राइवेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ईमेल वहां पे बहुत काम आता है, ईमेल के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर पब्लिकली वो कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड होते हैं, EBB, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, जैसे रिव्यूज हम लोग पढ़ते हैं तो वो उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड आप उन्हें कह सकते हैं। और अगर फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें जो है आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कैश छूने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली ही फंड ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो जाता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और इनको अच्छे से। EDI का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर बाय स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज फॉर्मेटिंग विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी यहाँ पे
डेटा का ट्रांसफर हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसे एटीएम में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि दो एटीएम्स या एक बैंक का एटीएम अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर लेता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, ठीक है। तो ये ईडीआई के थ्रू होता है। ईमेल्स आप सब जानते हो, इसमें एक कंप्यूटर पे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हम दूसरे पे भेजते हैं या दो आप एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन में, दो यूजर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। और ये मेथड जो एक्सचेंज का है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होता है और इसमें प्राइवेटली ही दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, यानी दो पार्टीज प्राइवेटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को मैसेज बोर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ आप जो है अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। तो ईमेल में आप जो काम प्राइवेटली कर रहे थे अगर आप पब्लिकली करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड आपके काम आता है। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे बताया कि ट्रांसफरिंग ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर बैंक अकाउंट विदाउट एनी पेपर मनी चेंजिंग हैंड, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में पेपर मनी नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ही सारा ट्रांसफर हो जा सकता है। ई कॉमर्स के फीचर्स पे अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉन कैश पेमेंट है, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कैश की जरूरत नहीं है जी, ऑनलाइन हो जाता है। सेल्स को इम्प्रूव कर देता है क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, हमारी रीच बढ़ जाती है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख सकते हैं तो हमारी सेल्स बढ़ जाती है। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि अब हम डायरेक्ट अपने टारगेट मार्केट को ही टारगेट कर सकते हैं, प्रॉपर सेगमेंटिंग कर सकते हैं और सही सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं, अपने प्रमोशनल मैसेज को उस सेगमेंट के हिसाब से डिजाइन करके और सिर्फ उन्हें बेच सकते हैं, हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स अगर हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं या मार्केट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को। सपोर्ट, बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है क्योंकि वो सब उस डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन ये बिल्कुल समय पे, सही समय पे ये पहुंचा देता है। 24 आवर्स अवेलेबिलिटी, जैसे आप जानते हैं कि अगर आपकी एक शॉप ऑफलाइन है तो उस मार्केट के खुलने बंद होने का एक कुछ समय निर्धारित होगा, मगर ऑनलाइन अगर है तो 24 घंटे के कोई भी कस्टमर आपकी जो स्टोर है ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकता है, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है और परचेज ऑर्डर दे सकता है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाता है ई कॉमर्स के थ्रू ही क्योंकि ईडीआई, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बायर सप्लायर सब कनेक्टेड है आपस में, आप सही समय पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, एक इकोनॉमिकल क्वांटिटी जो है इन्वेंट्री की आप मैनेज कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से, और बहुत बेटर कम्युनिकेशन हो जाता है सारी पार्टीज के बीच में, तो कम्युनिकेशन को भी ये इंप्रूव करता है। ई कॉमर्स की आवश्यकता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। आप अगर देखें कि आपको कहीं उसे लेने नहीं जाना है, आपको गाड़ी नहीं पार्क करनी है, आपको रिस्क नहीं लेना, आपको समय नहीं नष्ट करना है, ठीक है। कस्टमर ने भी आपको ऑर्डर कर दिया, आपको बहुत शानदार सा शोरूम नहीं बनाना है, आपको किराया नहीं देना है, तो काफी सारी चीजों की कॉस्ट कम हो जाती है, उसी तरीके से ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाती है। सिक्योर मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर ऑनलाइन अगर आप हैं तो आपकी प्रेजेंस बनी हुई है हर वक्त 24 घंटे, कोई आपका मार्केट शेयर जो है वो एक तरह से सिक्योर रहता है। फ्री एंड फास्ट शिपिंग आप करा सकते हो, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट की शिपिंग करा सकते हो, उसको भिजवा सकते हो, डिलीवर करा सकते हो। बिजनेस विदाउट बॉर्डर है ये, इसमें आपकी बाउंड्रीज बढ़ जाती हैं, मतलब आप ज्यादा स्पेस को कवर कर लेते हो, यहाँ बॉर्डर नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड भी सेल कर सकते हो और 24 घंटे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, तो ये ई कॉमर्स की नीड की बात हो गई जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, रीचेबिलिटी बढ़ाना, आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, रीचेबिलिटी बढ़ गई तो कन्वर्जन रेट अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि सही व्यक्ति पे अगर हम सही के पास पहुंचेंगे और ज्यादा के पास पहुंचेंगे तो ज्यादा कन्वर्जन होगा हमारा, यानी जो हिट्स हैं हमारी वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट को देखने वाले लोग या हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखने वाले लोग और खरीदने वाले लोग होंगे उसका बीच का जो रेशियो है वो बढ़ेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन ज्यादा पहुंचा सकते हैं क्योंकि हम उसे कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू की सेटिस्फैक्शन का कारक होती है, जितना ज्यादा कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा वो सेटिस्फाई होगा और वो सेटिस्फाई होगा तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा आपके लिए, और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का मतलब ये होगा कि आप पॉपुलर हो जाएंगे।
ई कॉमर्स का एडवांटेजेस, कन्वीनियंस बढ़ जाती है कस्टमर के लिए, जैसे पहले भी बताया, प्रोडक्ट प्राइस का कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हो, स्टार्टअप है आपका तो फंड रेज आपको आसानी से आप कर सकते हो, ओवरऑल पूरा प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो, पेमेंट तत्काल हो जाता है, उसमें प्रॉम्प्ट पेमेंट की सुविधा होती है, ज्यादातर पेमेंट्स जो है वो उधार नहीं होते, प्रॉम्प्ट पेमेंट और पेमेंट सिक्योर होते हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक छत के नीचे आप बेच सकते हो। तो ये फायदे हो गए ई कॉमर्स के। जिसके फायदे हैं तो उसके थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ सेलर्स जो होते हैं या थोड़े फॉल्स सेलिंग में बिलीव करने वाली कंपनीज होती हैं, वो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देती हैं, यानी जो दिखाती हैं प्रोडक्ट ऑनलाइन वो नहीं करके कुछ उससे कमजोर प्रोडक्ट भेज देती हैं। तो बी ग्रेडेड डी ग्रेडेड प्रोडक्ट भेज दिया अगर उन्होंने, तो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेज सकती हैं, ये एक नुकसान है। कई बार कस्टमर जो होता है वो इंपल्सिव परचेस कर लेता है, यानी बिना सोचे समझे खरीद लेता है, उसको कोई ऑफर अच्छा लगा उसने फटाफट खरीद लिया। आप अगर खुद से देखें कि आपको कोई चीज परचेस करनी थी, आपने वेबसाइट ओपन करी पर उसके साथ में कुछ और आपको ऑफर्स अच्छे लग गए तो उससे ज्यादा और चीजें खरीदी, तो इंपल्सिव परचेस को ये बढ़ावा देता है। इंटरनेट स्कैमर, कोई फ्रॉड हो जाए ऑनलाइन तो ई कॉमर्स में ये खतरा रहता है ऑनलाइन फ्रॉड्स का। आफ्टर सेल सपोर्ट मुश्किल होता है, क्योंकि मुश्किल नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन एक परसेप्शन है कि मुश्किल होता है, बिकॉज जब हम किसी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर से खरीदते हैं, जो अपने लोकल स्टोर्स होते हैं ओरिजिनल, तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने एसी आपके घर के पास की शॉप से खरीदा है तो उनका बंदा आकर के उसे इंस्टॉल करेगा, उनका बंदा आकर के उसको सर्विस देगा, कोई समस्या हो जाएगी तो वो तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये एक परसेप्शन रहता है हमारे मन में। ऑनलाइन में भी ये सब होता है, ई कॉमर्स के थ्रू भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि पहले आपने जिस वेबसाइट से खरीदा आपने उसको खबर करा, फिर उसने सेलर को खबर करा, फिर सेलर ने कंपनी को खबर करा, फिर तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसमें डिले होने की संभावनाएं रहती है। अच्छा, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी डिले हो जाती है कई बार। डिलीवरी में लेट क्यों हो जाता है? क्योंकि कुरियर वाले करते हैं, कुरियर वाले जब उसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके, वो हो सकता है उनके कारण कभी कुछ डिले हो सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ पर्सनल टच, पर्सनल टच नहीं होता जी। पर्सनल टच क्यों नहीं होता? जब हम ऑफलाइन जाते हैं ना कुछ खरीदने, तो वहाँ एक सेल्समैन होता है, वो सेल्समैन हमें समझाता है, बताता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करता है, हमारे हिसाब से वो प्रोडक्ट्स को हमें दिखाता है, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग होती है। अच्छा, दूसरा, हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं उसको भी हम देख के छू के महसूस कर सकते हैं, अपने डाउट्स तुरंत क्लियर कर सकते हैं, तो वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे मिसिंग होता है। ये एक डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का। और दूसरा, फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है। आज ई कॉमर्स में जो फैसिलिटीज या डिस्काउंट या जो चीज़ें दे रहे हैं, कल अगर लॉ बदल गया, जो तेजी से बदल भी रहे हैं, तो हो सकता है उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़े, हो सकता है किसी पे ज़्यादा टैक्स पड़ जाए तो वो प्राइसेस बढ़ा दे, डिस्काउंट घटा दे, तो ये सारी चीज़ें का खतरा रहता है ई कॉमर्स में। अच्छा, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है? कई सारे ई कॉमर्स के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे B2B, B2C ना, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, बिजनेस टू बिजनेस B2B, कंज्यूमर टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये सारे मॉडल्स हैं। इनके अंतर्गत ही और भी आ जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपका कंज्यूमर बन जाए या गवर्नमेंट आपका बिजनेस बन जाए, तो G2B भी हो सकता है, G2C हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या है। जैसे एक बिजनेस मॉडल है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, वो कंज्यूम करने के लिए नहीं हो रहे, वो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो B2B में एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले से खरीद रहा है, बेच रहा है, और वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको खुद कंज्यूम नहीं कर रहा, उससे कोई और प्रोडक्ट बना के उसको वैल्यू ऐड करके वो फिर फर्दर उसको अपने कंज्यूमर को बेच देगा। लेकिन B2C क्या है? B2C में जो खरीदार है वो कंज्यूमर ही है, यानी वो उसको अपने यूज के लिए खरीद रहा है, ठीक है। तो B2C का एग्जाम्पल आप जैसे देख लीजिए, कोई कंपनी बहुत सारी जो भी ऑनलाइन सेल कर रही है वो B2C है, आपने परचेस करा और फिर उसे यूज कर लिया, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा, यूज किया, अपने कंजम्पशन के लिए आप खरीद रहे, B2C हो गया, ठीक है। अगर कोई बिजनेस खरीद रहा है तो उसके लिए B2B हो गया। C2C क्या है? OLX है, क्विकर है, यहाँ पे एक कंज्यूमर अपनी कंज्यूम की हुई चीज को बेच रहा है, दूसरा कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है। C2B क्या है? कंज्यूमर टू बिजनेस है। इसमें क्या होगा? कई बार कंज्यूमर अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये जो कार देखो या इस तरीके के जो यूज प्रोडक्ट खरीदने वाली साइट्स हैं, वो इसका एग्जांपल हो सकते हैं। B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट,
मान लीजिए रेलवे है, उसका कोई वेंडर है जो उसको व्हील्स प्रोवाइड करता है या बेयरिंग प्रोवाइड करता है, रबर प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है, तो वो ऑनलाइन अगर करता है तो बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट टू बिजनेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट देखिए बिजनेस वालों से रिटर्न मांगती है, काफी सारे क्वेश्चन के आंसर मांगती है, रिपोर्ट्स मांगती है, तो वो ऑडिट के लिए या बहुत सारी चीजें। तो ये जो अगर ऑनलाइन हो रहे हैं और गवर्नमेंट को हम सर्व कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो जी टू बी हो जाएगा। और जी टू सी मतलब गवर्नमेंट सिटीजन्स से भी तो इन्फॉर्मेशन लेती है, अगर ऑनलाइन लेती है तो जी टू सी। इन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। बी टू बी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना एक दूसरी कंपनी को, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। बी टू सी अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट को खरीदना। सी टू सी अपने यूज किए हुए प्रोडक्ट को बेच देना, जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो सी टू सी हो गए। सी टू बी जैसे यूज प्रोडक्ट कंपनी खरीद करके वापस से बेच देती है, ठीक है, जैसे कार देखोगा मैंने एग्जांपल दिया आपको, या रिव्यू वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। बी टू जी अगेन गवर्नमेंट सप्लायर्स जो है वो। जी टू बी गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक से एडमिनिस्ट्रेशन या एंटरप्राइज से ले रही है। सॉरी, अब बात कर लें जरा ट्रेडिशनल कॉमर्स की। ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब ये हो गया कि वो जो हमारे पुराना कॉमर्स नहीं था, नॉर्मल तरीका जो खरीदने बेचने का था, एक दुकान खोली एक मार्केट में, वहां पे कस्टमर आ रहा है और वो उसको खरीद रहा है, बस उसकी एक ही लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि उसी ज्योग्राफी में आपको उसी मार्केट को सर्व कर रहे हो और जो कंज्यूमर उस मार्केट में आ रहे हैं सिर्फ वही आपसे खरीद सकते हैं। तो आपके कंज्यूमर भी कन्फाइन है, आपकी लोकेशन भी कन्फाइन है, आपकी रीच भी कन्फाइन है। जबकि अगर ऑनलाइन में आ जाओगे तो ये सारी चीजें, ये बाउंड्रीज बढ़ जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को आप कैटर कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर खरीद लेंगे और जियोग्राफिकल जो लिमिटेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी ई कॉमर्स बिजनेस हम करना चाहते हैं, इतना फायदेमंद है तो आपकी क्या जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो हमें टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो आउटसाइड है, जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्टिकल फाइबर का जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आपको इंटरनेट मिलेगा या इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, EDI सॉफ्ट वगैरह जो फैसिलिटीज वगैरह, तो टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये पहले चीज चाहिए। फिर इंटरनली हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर्स की, राउटर्स की, मॉडेम्स की, केबल्स की, प्रिंटर्स की, तो इंटरनल जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला ERP, EDI, CRM, इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, तब आप सक्सेसफुली अपने ई कॉमर्स को हैंडल कर पाओगे। फिर इन सबको हैंडल करने के लिए आपको टेक्निकल स्किल चाहिए, यानी ऐसे बंदे चाहिए जो कंप्यूटर और ये सारी चीज़ों में दक्ष हों, जो इस पूरे सॉफ्टवेयर को रन कर सके, चला सके, कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई कर सके, तो टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट हो गई। अब इन सबको खरीदने खर्चने के लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो गई। और लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के बदलते हुए रूल्स लॉज पर भी नज़र रखने के लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके कि आप क्या कर सकते हैं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, ठीक है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस को इख्तियार कर सकते हैं, उसको अपने में आत्मसात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो srfprashant@gmail.com मेरा ई मेल आई डी है, उसको देख सकते हैं। और आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य सिन्हा, one of my students also for preparing this presentation. Thank you.